आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लाके मैं जिंदगी गावा के, हम बड़ा पछताए, हम बड़ा पछताए। तुम्हे कतरावे, तुम्हे परवारे, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। देखो जरा, ठीक है ना, ऐसे ही करना है आपको। आइए, आपकी बारी है। अरे नहीं, आए आए, मैं कैसे? अरे समरा, इसको बताओ ना, मुझसे नहीं होगा। ओहो, एक बार ट्राई तो करो। और नहीं तो क्या? अच्छा मैं ना कर लूंगी, लेकिन एक बार तुम भी करके देखो। अरे मैं क्यों करूँ अब भाई, शादी आपकी, आप करेंगे। हाँ, अब वो देखो चाय आ गई, पहले हम खा लेते हैं, फिर प्रॉमिस मैं तुम्हें चार बार करके दिखाऊंगी, बादाम। अच्छा चलो ठीक है, वैसे ये भी अच्छा, कुछ खाने पीने को तो मिला, मुझे तो लग रहा था आते कुछ मिलेगा भी नहीं। उफ, बहुत ही नदीदी बात की है तुमने इफ्रा। बताओ जरा, इसमें नदीदेपन की क्या बात है? हाँ, सुबह से काम कर करके मेरे तो हाथ शल हो गए, बहुत थक गई हूँ मैं। कोई एहसान नहीं किया है, जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं भी करवा लूंगी सारे काम। अभी मेरी शादी कहाँ होगी, उससे पहले तो समरा बाजी की शादी होगी, और जब तक मेरी शादी होगी ना, तब तक आप दो बच्चों की मामा बन चुकी होंगी, मेरे लिए क्या काम करेंगी। बहुत ही बेशर्म हो तुम इफ्रा। और नहीं तो क्या, आपको पता है अपने घर में अगर मैं बातें ना करूँ ना, तो लगता है सब गुम गए। वैसे ये तो सच्ची बात है, अगर इफ्रा ना हो ना तो घर में रौनक ही नहीं होती। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाए हो? हाँ, ये खाने के लिए कुछ लेकर आया था आपने। लेकिन हम तो ऑलरेडी खा रहे हैं। खा रहे हैं? हाथ तो क्या हो गया, इसमें वो रोल है ना, वो खा सकते हैं आप लोग। अरे रोल भी तल के रखे हुए हैं, देखो तो। हाँ, रोल भी फ्राई करके रखे हैं। तो आप अपनी फ्रेंड से पूछ लेना, अगर उन्हें कुछ खाना है तो मैं ले आता हूँ। समरा से पूछू? सायरा, कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ ले, मैं भी नहीं आऊँ। आप ही के लिए तो लेकर आया, आप अपनी आप ही से पूछ लें, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो मैं ले आता हूँ। आप ही बता दो ना, उनका बहुत दिल चाह रहा आपको कुछ खिलाने को। लेकिन मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा खाने को। सुन लिया आपने, इन्होंने तो कुछ नहीं खाना, लेकिन मेरा बहुत पिज्जा खाने का दिल चाह रहा है। ठीक है, मैं ले आता। अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, बस हम तो चाय पी के घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। अरे अफरा, अभी तो हमें प्रैक्टिस करनी है ना यार। हाँ हाँ, और वैसे भी जब हमें जाना होगा तो हम खुद चले जाएंगे। हाँ। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ कैसा, मैं ड्रॉप कर दूंगा ना आपको, वैसे भी मुझे जाना है वहाँ, मेरा एक दोस्त रहता है उससे मिलने के लिए, तो मैं आपको छोड़ आऊंगा, तो आप मुझे बता देना, मैं ड्रॉप कर दूंगा। जरूर। ठीक है, तो आप ये खा लीजिएगा, अगर जरूरत पड़े मैं ड्रॉप कर दूंगा। थैंक यू, बता दूंगा। हाय मेरा बेचारा भाई, पता है कॉलेज में जब भी डिबेट कंपटीशन होता था फर्स्ट आता था, लेकिन तुम्हारे सामने सही से एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा है। इफ्रा, वो कौन सा शेर है गालिब का, इश्क ने हमको निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी थे काम के। तुम कैसी फजूल बातें कर रही हो, और वो भी इफ्रा के सामने। सुनो, बच्ची नहीं हूँ मैं, सब नजर आ रहा है मुझे। वैसे ना अम्मी कह रही थी कि मेरे जाने के बाद घर बिल्कुल सूना हो जाएगा, तो मेरी भाभी बन जाओ। उफ, इंतहाई फजूल बात। चलो भाई, बहुत पैकिंग वैकिंग हो गई, घर चले, हमें देर हो रही है।
हाँ भाई चलो। अच्छा रुको ना सर, वो मेरी होने वाली भाभी, मेरा मतलब है मेरी फ्रेंड को उसके घर छोड़ाओ। हाँ? जा रहे हैं। हाँ चलो इफ्रा। वाकई? हाँ। अच्छा सुनो अब ये तो ले जाओ। शर्मा रही है। नहीं थैंक यू, फिर कभी इंशाल्लाह आऊंगी ना तो प्रैक्टिस भी करा दूंगी। अरे ले जाओ यार। नहीं नहीं बुरा लगता है। अरे समरा खा लेगी। पढ़ी लिखी कितनी है? आपके बेटे से तो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है। बीए किया है? बस बीए। तो क्या कम है? हाँ कम अज कम एमए तो होना चाहिए। इसके बाप का बहुत बड़ा कारोबार है और इसकी माँ तो स्कूल में उस्तानी है। तीन भाइयों की इकलौती बहन है। देने दिलाने का भी तगड़ा आसरा होगा। अब लड़की तो देखे कितनी प्यारी कितनी खूबसूरत है। हाँ है तो प्यारी, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं लड़की के, और मेरे राशिद के साथ लगेगी भी बहुत अच्छी। लेकिन मेरी बात सुनो, राशिद की तालीम के बारे में बता देना, बाद में कोई मसला नहीं होना चाहिए। अरे कमाल करती हैं बाजी आप, उसकी तो फिकर ही मत करें। उसका बाप जो है ना बहुत बड़ा कारोबारी बंदा है और कारोबारी लोगों में ही अपनी बेटी को ब्याहना चाहता है। हाँ लोग तो बड़े सयाने लगते हैं। अरे मर्द के पास पैसा होना चाहिए, तालीम का क्या है, और अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास। तो फिर बाजी बयाना कर देना, फिर देखे रिश्ते की बात भी कितनी तेजी से और कितनी जल्दी आगे बढ़ाती हूँ। तौबा है बतूर, पैसे के नाम पर कैसे राल टपकती है तेरी। जा मेरा बटवा लेकर आ, 5,000 देती हूँ तुम्हें। अरे बाजी सिर्फ 5,000? देखे बाजी राशिद का रिश्ता तय हो गया ना तो फिर मैं पूरे 50,000 रुपए लूंगी। अरे बात की बात में देखी जाएगी, पहले तू बात तो चला। आप लड़की देखे खानदान देखे, अरे आपकी तो खानदान में वाह वाह हो जाएगी। ये तो है। राशिद कहाँ है? सलाम सर। सर वो अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए गए। इधर हेलो, राशिद कहाँ है? राशिद साहब कह रहे थे कि किसी से माल की पेमेंट लेनी है। अच्छा फैक्ट्री तुम चोरों के हवाले करके माल की पेमेंट लेने गए हो नवाब साहब? हाँ सर हमें तो यही बताकर गए थे सर। क्या बता के गए वो तो मैं पता करूंगा कहाँ गए, लेकिन मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझसे ज्यादा मेरे बेटे के वफादार हो। निकले यहाँ से, आगे अपना हिसाब निकले ना। चलो सर वो मैं बताता हूँ कि राशिद साहब कहाँ गए हैं। कहाँ गए?
शेर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। इतनी जोर से धड़क रहा है, अगर बंद हो जाता तो? ऐसे ही बंद हो जाएगा? इस दिल में मैं रहता हूं, मैं दुनिया तबाह कर दूंगा। बड़े दावे करते हो। आजमा लो, मायूस नहीं करूं। ऐसा ना हो कि तुम हार जाओ। क्या बात कर दी आपने, जो हार जाए वो मोहब्बत ही कहाँ है। पता है, बस यही तुम्हारी अदा मेरी जान ले लेती है, फिदा हो जाती हूँ तुम। वाह साद भाई, आपकी गाड़ी तो बड़ी अच्छी है। थैंक यू। बस ये पिछले हफ्ते प्रमोशन हुई है ना, तो उसी का हिस्सा है। अच्छा वैसे साद भाई, आप चाहते थे ना आप ही आपके साथ आगे बैठ जाए, तो अगर आप वाकई ऐसा चाहते हैं ना, तो आपको ना बात करनी पड़ेगी मेरी अम्मी से। आप एक काम करें, सायरा बाजी की शादी के बाद ना अपनी अम्मी को मेरे घर ले आए। अच्छा है ना अम्मी अब्बू, आप दोनों को साथ घूमने फिरने का लाइसेंस दे देंगे ना? ठीक है ना? इफ्रा क्या बोलती जा रही हो तुम? नहीं नहीं, वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। आपकी इतला के लिए अर्ज है, मैंने एप्लीकेशन तो डाल दी है। बिल्कुल का वेट है, आपके अम्मी अब्बू तो मान जाएंगे ना। हाँ, अरे ये रश कैसा हो रहा है? मैं देखती हूँ। अरे रुके ना, मैं देखती हूँ। अरे इफ्रा रुको। इफ्रा, इफ्रा मेरी बात। क्या हो रही है? हटाओ इस भीड़ को सामने से, आगे जाना है हमें। मेरी गाड़ी नहीं टकराने के लिए इनको, इनकी तो देख क्या रहे हो, हटाओ। अरे ऐसे कैसे, आपकी गलती है ना, आपकी है ना गलती, इनकी गलती है ना, आप लेके जाएंगे इसे हॉस्पिटल। अरे कब तक हम इनके जुल्म पर खामोश रहेंगे, किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। ओ बस बीबी, कौन है तू, क्या बकवास कर रही है? मैं वो हूँ जिसने आपको वोट दिया है, जिसका आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ऐसे नहीं जा सकते आप, उठाए इसे और गाड़ी में डाले। जब वोट चाहिए होते हैं तो हमारे दरवाजों पे आ जाते और आते से मरते छोड़ ले। नो नेवर, उठाए इसे और अपनी गाड़ी में डाले आप। गाड़ी में खतरनाक लड़की हो तो तुमसे बच के रहना पड़ेगा। वैसे आपको बचने की जरूरत नहीं, अच्छों के साथ में बहुत अच्छी हूँ। क्यों? तुम्हें घर चल के बताती हूँ। ओए, तू यहाँ क्या कर रहा है? वो मुख्तार साहब आए। इधर आए।
अबे इधरा इधरा चलिए तू लाए क्या है? अस्सलाम वालेकुम साहब क्या हो बदतमीजी सलाम तो कर रहे हैं क्या हो गया जाओ काम करो अपना तुम नाराज क्यों हो रहा है मैं क्या कर रही हूँ जाओ अच्छा जा रही हूँ अबे अब मैंने कुछ नहीं किया मैं तो बस वैसे ही यहाँ पे ये हया बेशरम अबा यहाँ कुछ नहीं करना इज्जत है लोगों में मेरी घर चलो बस गाड़ी में बैठो आगे आगे चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे पीछे चलो चलो बैठो तो जाके वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसा रहा तुम लोगों का दिन और तुम्हारा बहुत अच्छा आपको पता है आज मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी ना सबको बहुत पसंद आई और फिर चले गए सायरा के घर वहां पे तो मैंने इतना काम कराया ना तौबा थक गई हूँ मैं जी जी सायरा का सारा काम इफ्रा ने किया सायरा के घर और उसके बाद अब वो अपने घर आई है तो वो थक गई है वो कोई काम नहीं करेंगी इसके बावजूद अब आप कोई काम नहीं करेंगी किचन सारा मैं संभाल लूंगी मेरी अच्छी बच्ची जिस घर में भी जाएगी ना ये मेरी बेटी जन्नत बना देगी उस घर को वैसे अम्मी समरा बाजी जिस घर में जाएंगी ना उस घर का पता लगा लिया मैंने इफ्रा हाँ वो है ना सायरा बाजी उनके भाई साथ अम्मी ये फजूल बातें कर रही है आप इसकी बात मत सुने एक मिनट कौन सी फजूल बात कर रही हूँ मैं हाँ अम्मी सायरा का जो भाई है ना साद इफ्रा क्यों बकबक कर रही हो अम्मी ऐसा वैसा कुछ नहीं है बेटा तुम जाओ किचन में मैं थोड़ी देर में चावल लाती हूँ तुम बाकी चीजें देखो अम्मी आप इफ्रा की बातों में बिल्कुल मत आइएगा कौन सी बातों में ना अभी तो इफ्रा ने मुझे कुछ बताया ही नहीं पहले मुझे तफसील बताएगी तो फिर मैं सोचूंगी कि बात इसकी सुननी है कि नहीं सुननी हाँ और वैसे भी आपका क्या काम है आप पे दो बड़े बातें कर रहे हैं ना तो फिर खड़े नहीं रहते अच्छा नहीं लगता ना जी मैं जा रही है ना तो मैं आपको बता रही थी अम्मी सायरा का जो भाई है ना साथ इतने अच्छे अम्मी वो और आप ही को इतना पसंद करते हैं पता है वो कह रहे थे कि सायरा की शादी के बाद ना हमारे घर आएंगे अपनी अम्मी को लेके चलो जब वो अपनी अम्मी को लेकर हमारे घर आएगा तब देखें अम्मी साथ भाई बहुत अच्छे हैं और उनकी अम्मी तो बहुत ही स्वीट हैं सोचेंगे बेटा वैसे सायरा अच्छी बच्ची है एक दो बार उसकी माँ से भी मेरी मुलाकात हुई है सुलझी हुई महजब खातून लगी है मुझे और नहीं तो क्या और साथ भाई तो बहुत ही अच्छे हैं चाहे मेरा बस चले ना तो मैं अभी इनकी बात तय कर दूँ कसम से बस बस इतना जोश दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है रिश्ते नाते सोच समझ कर किए जाते हैं भाई क्यों ना खुश हूँ मैं बताएं जरा हमारे घर में पहले शादी का फंक्शन होगा ये अरे वो तो जब होगा सो होगा अभी जाओ जाकर बहन का हाथ बटाओ किचन में चलो जी कुंवारी लड़कियां ये बातें नहीं सुनती प्लीज मेरे लिए चिप्स बना दो आप मैं चेंज करने जा रही हूँ क्या सारा बाजार मेरा तमाशा देख रहा था बेटे तो बाप का बाजू होते हैं इज्जत के रखवाले होते हैं और ये मेरी बदनामी आपका तो मीटर बिला वजह घूम गया है वहां आने की जरूरत क्या थी आपको सुन रही हो तुम इसकी बात देख रही हो इसका अंदाज ऐसे बाप से बात करते हैं सुन रही हूं
बिल्कुल अपने फयाज चचा पर गया है। आपको पता है ना, अल्लाह बख्शे वो भी अब्बा जी से ऐसे ही बदतमीजी से बात करता था। अब खून का असर तो होगा ना, आखिर उसने बचपन गुजारा है वहाँ। हाँ बेटा, तुम्हारा आवारा बदमाश और इल्जाम तुम लगा दो मेरे भाई पे। तुम्हारी याददाश्त के लिए बता दूं कि आफिया और फैयाज को हमने खुद अलग किया था। उस वक्त ये 3 साल का था। कौन सी बदतमीजी देखी फैयाज की इसने? खून के असर की बात कर रही हूँ मुख्तार साहब। अच्छा चलो, मेरा गंदा खून हो गया, ओके, तो कुछ असर अपने मामुओं के पाकीजा खून से ले लेता ना। फ्रॉडिये हुंडी का काम करने वाले घटिया लोग। अब मेरे भाइयों को बीच में लाने की जरूरत नहीं है मुख्तार साहब आपको। तुमने अगर इसकी अच्छी तरबियत की होती तो आज ये दुनिया देखना पड़ता। तुम्हारे भाइयों से असर नहीं लिया था और क्या हुआ? 8 जमात तो पढ़ नहीं सका, तो तुम्हारे खानदान में किसी ने कॉलेज की शक्ल देखी है? डाल दें सारे इल्जाम मुझ पर और मेरे भाइयों पर। मेरे मैके वालों को बस बुरा कह दें अब। और तुम कान खोल के सुन लो, अगर राह रास्त पर नहीं आए ना तो मैं आग कर दूंगा तुम्हें। खामखा मीटर घूम गया। ऐसा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बा। अरे तुम जानते हो उनके गुस्से को, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी उन्हीं का बेटा हूँ, मैं भी गुस्से में कुछ भी कर सकता हूँ। और आग करना कोई इतना आसान नहीं होता। आग कर दूंगा। अरे बात तो तेरे अब्बा की बिल्कुल ठीक है। चलो ठीक है, दोस्तों में जाओ, हल्ला गुल्ला करो, बैठो, फिल्म चिल्म देखो, मैंने कब मना किया। लेकिन उस बाजार में जाना, तौबा तौबा, ये गुनाह है बेटा, बहुत बड़ा गुनाह है, बुरी बात है। क्या हो गया आपको? जो आप सोच रही हैं, अब्बा सोच रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सदरे आलिया वकार, आज हमारे घर में आलू के चिप्स बने, और जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि मैंने अपनी वालदा से अपनी बहन के रिश्ते के बारे में बात की है। डर तो इस बात का है कि शादी पे क्या पहनना है। डर तो इस बात का ही, तुम्हारा डिबेट कंपटीशन नहीं हो रहा। क्या जरूरत थी अम्मी से इतनी फजूल बातें करने की? मैंने कोई फजूल बात नहीं की अम्मी से। इफ्रा यार, मुझे टेंशन हो रही है कि अम्मी क्या सोच रही होंगी। ओफो, हमारी अम्मी बहुत अच्छी हैं, वो हमारे बारे में कुछ गलत नहीं सोच रही होंगी। अच्छा, आपको साध्वी पसंद तो है ना? पता नहीं। क्या मतलब है पता नहीं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते, इतने पढ़े लिखे, हैंडसम। इफ्रा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, ये अच्छा है, पढ़ने लिखने के फौरन बाद शादी कर दो। मैं जॉब करना चाहती हूँ, अम्मी अबू का हाथ बटाना चाहती हूँ। ये जॉब कहाँ से आ गई बीच में? मैं आपसे आपकी शादी की बात कर रही हूँ। जॉब कहाँ से आ गई? मतलब मैं तो हमेशा से जॉब करना चाहती थी। ये जो अम्मी अबू के दिमाग में बेटा ना होने का गम है ना, हमेशा से ये सोचती थी कि मैं बेटा बन के उनका बोझ पूरा करूँगी। जितना मैं आपको जानती हूँ ना, आपसे नहीं होगी ये जॉब वॉब। हाँ, घर आप बहुत अच्छे से संभाल सकती हैं। हाँ सायरा, हेलो, जी आप? आई एम रियली सॉरी, मुझे इफ्रा की बात ने सोचने पे मजबूर कर दिया। मुझे पहले आपसे पूछ लेना चाहिए। देखिए, मुझे कुछ नहीं बताना आपको। आप मुझे पसंद तो करती हैं। मैं सायरा की शादी के बाद अम्मी को आपके घर भिजवा सकती हूँ। देखिए, शादी वादी अभी मुझे नहीं करनी, मैं जॉब करना चाहती हूँ। हाँ तो कोई मसला ही नहीं है, आप जॉब कर सकती हैं शादी के बाद, मुझे कोई इतराज नहीं है। नहीं मगर आप किसी और को पसंद करती हैं? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। हाँ तो फिर कोई मसला ही नहीं है, इसका मतलब मैं मम्मी को भिजवा सकता हूँ। ऐसा कब कहा मैंने? आपने कहा नहीं, लेकिन आपकी बात का मतलब तो मैंने यही निकाला। देखिए, आप मेरी बातों से अपनी मर्जी का नतीजा मत निकालें।
मैं आपको खोना नहीं चाहता। सच्ची मोहब्बत होती है इंसान उसे पाकर ही दम लेता, इसलिए मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मतलब ये कि आप सायरा की शादी में तो आ ही रही हैं। जी मैं आ रही हूँ पर। तो फिर ठीक है, सायरा की शादी के बाद हमारी बारी है। ओके बाय। पागल वागल हो गया, कह रहे मुझसे शादी करेगा, शादी के बाद जॉब भी करने देगा, घर आएगा, अम्मी अबू से रिश्ता मांगेगा मुझे कुछ। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आप ही। इस उम्र में लोग पहुंचकर नमाज रोज़ा अल्लाह रसूल का नाम लेते हैं और एक आप हैं दिन रात गाने सुनते रहते हैं, पूरा दिन गाने, रात को गाने सुने बिना नींद नहीं आती आपको। तुम्हारे कहने पे सब कुछ छोड़ दिया है, कभी कभार गाने सुन लेता हूँ। अब चाहती हो तो फिर इन पे भी पाबंदी लगानी है। बात करनी थी मुझे आपसे। हाँ बोलो। माशाल्लाह से हमारी समरा ने एमए कर ली है, उसकी तालीम मुकम्मल हो गई। हाँ पता है मुझे, बड़ी लायक है मेरी बेटी, मुझे फख्र है उस पर। फख्र के साथ फिक्र भी करें आप। किस बात की फिक्र? भाई शादी नहीं करनी क्या बच्चियों की? समरे की तालीम मुकम्मल हो गई है, 2 साल में इफ्रा भी फारिग हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हालांकि बाप तो बेटी की पैदाइश के साथ ही बेटी की शादी का सोचने लगते हैं। अच्छा रिश्ता, फिर अच्छा जहेज, अच्छी खासी रखनी चाहिए। हमारे पास है नहीं। अब अल्लाह बेहतर करेगा, हो जाएगा, कुछ 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 रिश्ता आएगा तो देखेंगे ना। आप आए इधर मेरे पास बैठे। तार भाई से बात करें ना, माशाल्लाह से इतना
लंबा चौड़ा बिजनेस है उनका और मरहूम अब्बा जान की जायदाद, अगर वो कुछ मैं करूंगा भाईजान से बात, देख लूंगा। दयाई तसल्ली अपने बेटे को। आप भी तो गुस्से की हद कर देते हैं मुख्तार साहब। तुमने भी अगर थोड़ी सख्ती की होती ना तो इतना ना बिगड़ता ही। मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या वो क्या नाम है उस औरत का जो वो रिश्ता वगैरह कराने आती है, बतूल? हाँ बतूल, उससे कहो कोई रिश्ता देखे इसके लिए, कोई शरीफ और नेक पढ़े लिखे लोग हों। कई बार उससे कहा है मैंने, एक बार भी ढंग का रिश्ता नहीं दिखाया उस औरत ने, बस आती है चाय बिस्कुट और वापसी का किराया लेकर चली जाती है। तो अपना मेयार थोड़ा सा नीचे कर लो ना, अच्छा रिश्ता देखते वक्त अपने बेटे को भी नजर में रखा करो। क्यों, क्या कमी है मेरे बेटे में? खुश शक्ल है, स्मार्ट है, बस जरा सी तालीम की कमी है, और तालीम की कमी को दौलत पूरा कर देती है। तालीम की कमी को दौलत पूरा कर देती है और किरदार की, किरदार में जरा सा भी झोल होता है ना, सारी दुनिया की दौलत भी नहीं छुपा सकती उसे। ठीक, मैं जोर देकर कहती हूं बतूल से। बतूल बता रही थी कि बहुत अच्छे और खानदानी लोग हैं। अपने बेटे के करतूत बता दिए थे उनको? कैसी बातें कर रहे हैं, कौन से करतूत? क्या कर दिया मैंने ऐसा? कमाल है, जो घर में देखा वही कर रहा हूं। जिन बच्चों के बाप आप जैसे हो ना, वो कुवारे ही मर जाते हैं, और जिनकी औलाद तुम जैसी हो जीते जी मर जाते हैं। लो। अरे आप दोनों तो सुकून से बात करें, आज हम जाना है रिश्ते के लिए। आज? हाँ, बतूल बता रही थी कि चाय पर बुलाया उन्होंने। तो मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। अजीब बातें करते हैं मुख्तार साहब, पहले कह रहे थे कि जल्दी करो, अब जल्दी कर रही हूँ तो बोल रहे हैं कि मुझसे पूछा क्यों नहीं। अम्मा मैं भी साथ चलूंगा, ये लो। लड़के नहीं जाते, मैं और तुम्हारे अब्बा जी जाएंगे। अब्बा जी की शादी जो वो जाएंगे, शादी तो मेरी है, मैं पसंद करूंगा ना लड़की। सुन लो इनकी बातें। चलो ठीक है ना, मैं बात कर लूंगी, हम राशिद को भी साथ ले जाएंगे, जिंदगी तो इसी ने गुजारनी है ना। अच्छा लड़की को खुद ही देख लेगा, वैसे बतूल बड़ी तारीफ कर रही थी उन लोगों की। अल्लाह रहम करे हम पे बस। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है? अपने काम से काम रखो, समझे तुम? अच्छा चल डबल रोटी पकड़ा मुझे। ये लीजिए घर के बने। ये मेरा बड़ा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सक्यूज मी, और बात सुन रही। और बताइए बेटी क्या करती है? मास्टर कंप्लीट कर लिया है, अब घरदारी सीख रही है। जाहिर है जी, बच्चियों ने तो घर के काम ही करने होते हैं।
आप बुलाइए ना। जी मैं बुला। कितनी तालीम है आपके बेटे की? बतूल ने तफसील तो बता दी हो। जी जी तालीम ज्यादा नहीं है लेकिन सारा कारोबार संभाल रखा है माशाल्लाह। कारोबार तो संभाल रखा है इन्होंने लेकिन इज्जत पूरे बाजार में लुटाते फिरते हैं ये। कहना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए जी सीधे साधे लोग हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। हमने अपनी बेटी को एक शरीफ खानदान में ब्याना है ना कि एक गुंडे या मवाली के हवाले करना है। ओह क्या बकवास कर रहा है? आराम से राशिद, क्या हुआ है?